ये देखो भाई साहब कितनी तगड़ी वाली आंधी आई हुई है, बट ये देखो पूरा बादल पीला पीला सा हो गया भाई। एंड गाइस फिलहाल आज होने वाला है भाई सबसे बड़ा काम। तो फिलहाल भाई अभी देखो हम लोग पहुंच चुके हैं भाई जहाँ पे हमारा प्लॉट है भाई, कितने एरिया में हमारा घर बनेगा कितना नहीं। तो भाई देखो एक घर ये है भाई जो हम लोग देखने के लिए आए थे, बहुत तगड़ा लग रहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, खूब करता हूँ गाइस, आप सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए भाई। तो फिलहाल गाइस अभी देखो भाई सुबह के 6 बज रहे हैं भाई, अभी ना एकदम अंधेरा था भाई, अचानक से ना एकदम कड़क वाली आंधी आ गई भाई। हम लोग तो एकदम सोए हुए थे, घर वाले आए फटाफट से हम लोग को जगाए भाई। हम लोग जाके बाहर देखे ना, बहुत तगड़ी वाली आंधी आई हुई है भाई, पूरा एकदम अंधेरा हो गया था, बादल वादल पूरा पीला हो गया भाई। भाई चल के अभी फटाफट से दिखाते हैं भाई, एकदम पूरा पीला पीला हो गया आसमान। ये देखो भाई साहब कितनी तगड़ी वाली आंधी आई हुई है, अभी एकदम अंधेरा हो गया था, अभी तो उजाला हो गया भाई, बट ये देखो पूरा बादल पीला पीला सा हो गया भाई। ये देखो भाई कितनी कड़क वाली आंधी आ गई है, पूरा धुंधला धुंधला सा हो गया सब कुछ धुंधला धुंधला भाई। ये देखो अभी अभी थोड़ा सा कम हो गया ना भाई, लेकिन जब हम लोग उठे थे ना भाई एकदम अंधेरा हो गया था ना, पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा था। भाई ये सब लाइट वाइट ऑटोमेटिक ऑन हो गई थी सब कुछ ना भाई, खतरनाक वाली आंधी आई, वहाँ देखो कुछ दिख भी नहीं रहा है भाई, धूल धूल पूरा हो गया है भाई साहब। लेकिन इतना खतरनाक लग रहा है ना भाई, लग रहा है कि ऐसे बहुत तगड़ी वाली, मैं तो फर्स्ट टाइम इतनी तगड़ी आंधी देख रहा हूँ भाई, मतलब बहुत खतरनाक आई है। और सुबह सुबह अच्छा भी लग रहा है भाई इतनी तगड़ी आंधी देख के, बट भाई खतरनाक थी, अभी तो बहुत ज्यादा कम हो गया ना, लेकिन जब हम लोग उठे थे बहुत खतरनाक थी भाई, मतलब आसमान एकदम काला काला पीला पीला सा दिख रहा था। ये देखो भाई बारिश आ गई खतरनाक वाली। ये देखो भाई तगड़ी वाली अब बारिश आ गई भाई, अब लग रहा है मौसम एकदम ठंडा ठंडा सा हो जाएगा। तो फिलहाल भाई अभी देखो बच चुके हैं भाई सुबह के 11, एंड फिलहाल अभी देखो हम लोग फ्रेश हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह सभी लोगों ने कर लिया भाई। एंड आज आई थी भाई काफी तगड़ी वाली आंधी, तो सब लोग एकदम सुबह सुबह ही उठ गए मस्त एकदम, अभी तक जग रहे थे, दिख ही नहीं रहा था इतनी खतरनाक आंधी। यस भाई। और भाई सब जैसे कि सभी लोगों को पता होगा भाई, हम लोग का फाइनली न्यू घर बनने वाला है भाई, तो थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो चुका है, मतलब मिट्टी वगैरह गिरवाना था ना, तो जहाँ पे प्लॉट पे घर बनने वाला है वहाँ पे मिट्टी वगैरह हम लोगों ने गिरवा दिया था। एंड गाइस फिलहाल आज होने वाला है भाई सबसे बड़ा काम, तो आज हमारे घर पे आए हुए हैं आर्किटेक्ट भाई देखने के लिए प्लॉट कि कितने एरिया में घर बनेगा एंड कैसा डिजाइन होगा भाई हमारे घर का। तो भाई आज अभी आर्किटेक्ट आ चुके हैं, तो अभी चल रहे भाई उन्हीं के पास प्लॉट पे, मेजरमेंट वगैरह होगा, आज घर का मॉडल पता चल जाएगा कि क्या रहेगा। यस भाई डिजाइन बन जाएगा समझ लो ना, फिर हमको जान लो 3-4 दिनों बाद या 5 दिनों बाद या 1 वीक में हमको डिजाइन मिल जाएगा। ओके डन ना। और हम लोगों ने सेलेक्ट भी कर लिया भाई कि कैसा हमारा घर होगा, थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का समझ लो, कोठी टाइप का है ना, हम लोग स्कूल जाएंगे। तो यस भाई साहब हम लोगों ने पता कर लिया भाई कैसा होगा कैसा नहीं, बट फिलहाल अभी चल रहा भाई प्लॉट पे जहाँ पे हमारा घर बनने वाला है, तो वहाँ पे आर्किटेक्ट आ चुका है, तो अभी चलते हैं फटाक से। चलो भाई जी जान तो पूल के लिए एक्साइटेड है भाई, मुझे पता है। चलो भाई फटाफट चलते हैं। एंड भाई फिलहाल अभी देखो सुबह सुबह आंधी आई हुई थी ना, अब देखो भाई धूप निकल गई है कड़क वाली, मौसम दोगला हो गया, कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल भाई अभी देखो हम लोग पहुंच चुके हैं भाई बाउंड्री में जहाँ पे हमारा प्लॉट है भाई, जहाँ पे घर बनने वाला है, तो यहाँ पे देखो पूरी मिट्टी मिट्टी गिर चुकी है भाई फाइनली। और अभी देखो आर्किटेक्ट वगैरह आ चुके हैं, अभी यहाँ पे नपाई होने जा रही है ना, कि कितने एरिया में हमारा घर बनेगा कितना नहीं। देखिए एक टाइम आएगा वो पुराना हो जाएगा, वो तो ये जान लीजिए, और समय के हिसाब से सोच बदलता है, अपना ही सोच बदलता है। फिलहाल भाई साहब अभी देखो नाप वाप के हो चुका है भाई, अब चल रहे हम लोग अब्बू के ऑफिस पे भाई, वहाँ पे आराम से बैठ के डिजाइन वगैरह थोड़ा ड्रॉ करेंगे कॉपी पे, देखते भाई कैसा होता है। फिलहाल भाई अभी देखो हम लोग आ गए थे एक्चुअली साइड पे ना, जहाँ आर्किटेक्ट और मिस्त्री वगैरह का साइड है, जहाँ पे घर वगैरह बनाए, तो वही देखने के लिए आए थे। तो भाई देखो एक घर ये है भाई जो हम लोग देखने के लिए आए थे, बहुत तगड़ा लग रहा है ना। yes. तगड़ा है ना। yes. ये देखो भाई हमारे सब्सक्राइबर भी एक मिल गए यहाँ पे, अभी वीडियोस देख रहे थे। और कैसे हो? चलो तो फिलहाल भाई साहब अभी देखो हम लोग साइड पे से आ गए भाई अब्बू के ऑफिस पे, एंड अभी यहाँ पे हम लोग बैठ के डिजाइन वगैरह कुछ देख रहे थे ऐसे ही बैठ के। तो भाई सारा कुछ फाइनल हो चुका है, अब आई थिंक 1 वीक के अंदर अंदर हमको एक डिजाइन आएगी भाई,
जो मतलब कि कहाँ कहाँ कौन सा रूम कहाँ कहाँ पे रहेगा, तो वो सारी चीजें हम लोग पहले फाइनल कर लेंगे, उसके बाद फिर एकदम फाइनल डिजाइन हो जाएगा कि हमारे घर का लुक कैसा होगा भाई। बट जो भी होने वाला है काफी तगड़ा होने वाला है ना। और पूल भी हम लोगों ने कन्फर्म कर लिया भाई कि जीशान के लिए पूल भी उसमें रहेगा भाई, और उसके अंदर हम लोग करेंगे कड़क कड़क चैलेंज है ना। अब चल रहे हैं भाई डायरेक्ट घर के लिए। अबू ये बताइए कब तक बन के आ जाएगा डिजाइन वगैरह? मतलब प्लान जो रहेगा एक हफ्ते में बताएं बना के आ जाएगा, मतलब कंप्लीट जो है वो 3D के साथ एक महीना भाई। हम लोग 3D डिजाइन भी बनवाएंगे ताकि मतलब अच्छे से पता चल जाए कि कौन सी चीजें कहाँ पे है एंड क्या क्या अच्छे से वीडियो में ना। हाँ 3D वीडियो रहेगा वो, तब भाई अच्छे से पता चलेगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे है। यस बस एक हफ्ते के अंदर अंदर ना पूरा डिजाइन बन के आ जाएगा घर का कि कौन सी चीजें कहाँ पे होगी। तो फिलहाल भाई अभी देखो हम लोग जस्ट घर पे आ चुके हैं भाई एंड सारा कुछ हम लोगों ने फाइनल कर लिया भाई। इतना तगड़ा वाला धूप था बाहर ना, इधर उधर दौड़ के पूरा काम करना पड़ा था भाई। घर बनवाने में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है भाई, अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी हमारा एक हफ्ते में समझ लो डिजाइन आ जाएगा, मतलब घर का स्ट्रक्चर नहीं घर का डिजाइन की कौन सी चीजें किचन बाथरूम रूम्स वगैरह कहाँ कहाँ क्या क्या चीज होगी, गार्डन पूल वगैरह सारा कुछ कहाँ होगा वो सारा कुछ पता चल जाएगा भाई एक हफ्ते के अंदर अंदर। यस भाई साहब फाइनली हमारे घर का मैप जो है वो रेडी होने वाला है ना। कुछ बोलना चाहोगे समीर इस पे? और हम लोग हाँ एक चीज और, उसके अंदर हम लोग स्टूडियो भी बनवाने वाले हैं ना। एक स्टूडियो रहेगा ताकि जहाँ पे अगर कुछ शूट वगैरह कराना हो तो कर सकते हैं। हाँ भाई मतलब स्टूडियो रूम अलग से ही रहेगा भाई, उसमें कुछ भी वीडियो अगर इंडोर में अगर कुछ करना हो तो। यस भाई मतलब तगड़ा सेटअप होने वाला भाई इस बार है ना। मतलब भाई बहुत ज्यादा मजा आएगा जब हमारा घर बन जाएगा, मैं तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ। बट भाई थोड़ा टाइम है क्योंकि धीरे धीरे काम होगा ना, डेट्स ऑल भाई। बट जो भी होगा व्लॉग में सारा कुछ पता चलते रहेगा भाई। और जिस दिन भाई घर की ओपनिंग रहेगी उस दिन भाई हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है भाई। और भाई ओ ये ओ और हाँ फंस गया था मैं। और एक चीज और भाई, हम लोगों ने पूल भी फाइनली बोल दिया कि पूल भी रहेगा, पूल रहे। ये चीज काफी अच्छी है भाई कि मतलब क्योंकि हमारे पास एरिया बहुत ज्यादा है ना, वहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा जगह छूट रही थी, तो पार्किंग के बगल में ही हम लोगों ने करवा दिया है पूल एरिया। तो भाई वहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आएगा, चैलेंज वाली वीडियो वगैरह सारा कुछ कर सकते हैं हम लोग। एंड भाई साहब हियर इज मैक्सु, ये देखो भाई दिन भर यहीं पे रहता है, एसी अभी देखो चालू है ना, जब तक एसी चालू रहता है भाई रूम के अंदर ही रहता है, रूम छोड़ता ही नहीं है, यहीं पे खाता है पीता है मस्त एकदम। ये देखो भाई पानी इसका पीला हो गया, पानी चेंज करना पड़ेगा। आओ मैक्सू आओ खा लो पानी पियो खा लो। भाई मैक्सू ना एकदम मस्त आदमी है भाई, कहीं निकलता उकलता नहीं है, घर के अंदर ही रहता है अब तो बिल्कुल नहीं परेशान करता है भाई। पहले ऐसा होता था ना भाई कि मैक्सू घर से भाग जाता था, मतलब कहीं भी भाग जाता था भाई पता ही नहीं चलता था कहाँ गया, मतलब बाहर बाहर घूम घूम के रात भर घूमता था भाई, अब लेकिन नहीं जाता है, अब रूम के अंदर ही रहता है। एंड भाई साहब हियर इज जीशान भाई, कल हम लोगों ने जीशान के साथ किया था भाई सेइंग यस टू माय ब्रदर फॉर 24 आवर्स भाई, फुल मजा आया था, मुझे तो एकदम आराम मिल गया था भाई। फैसल भाई को एकदम मैंने परेशान कर दिया था भाई, भाई ये लिटरली मुझसे पूरा दिन काम करवाया था, मतलब ऐसा ऐसा काम करवाया था कि मैं क्या ही बताऊं भाई, मतलब झिला दिया था मुझे खतरनाक वाला। और हम लोगों ने बोला था भाई कि अगर उस वीडियो पे 10,000 लाइक हो जाएंगे भाई तो जीशान मुझे यस बोलेगा 24 आवर्स के लिए, मतलब मेरे साथ वो चैलेंज होगा। अच्छा क्या बोलता है जीशान, 10,000 लाइक सब लोग फटाफट जाके करवाओ भाई, मुझे 10,000 लाइक चाहिए। कैसे होगा 10,000 लाइक ना मैं करूं? नहीं नहीं होगा भाई, जाके करो यार, मुझे बदला लेना है क्योंकि भाई बहुत परेशान किया था, मैं भी इससे बदला खतरनाक वाला लूंगा भाई। तो आप लोग फटाफट जाके पुरानी वाली वीडियो पे कल वाली वीडियो पे 10,000 लाइक करो, 10K लाइक। ओए रेडी रहना चैलेंज के लिए तू? हाँ भाई ऐसा ऐसा काम दूंगा ना तुझे कि तेरे फटके चार हो जाएगी। अच्छा ठीक है देखता हूँ। एंड ये देखो भाई साहब अभी आगे हम लोग किचन में जीशान बनाने जा रहे हैं भाई मैगी, कौन खाएगा जीशान? मैं चाचू। मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो खाना खा लिया भाई, पेट भर चुका है, अभी जा रहा है मैगी बनाने के लिए मस्ती है। एंड फिलहाल अभी हम लोगों ने खाना वगैरह भी खा लिया है, अभी रात के बज चुके हैं भाई 10, तो अभी करते थे भाई इस व्लॉग में एंड। होप करता हूं सभी लोग को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया मेरा भाई तो एक लाइक करना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना भाई कैसा लगा व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग भाई, बाय।